नागपुर के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले सिद्धार्थ चिमने और उनकी पत्नी रंजना चिमने की 6 साल की बेटी थी। पिछले कुछ दिनों से लड़की लगातार बीमार थी और संस्कृत के छंदों का उच्चारण करती थी। उसके हाव भाव को देखते हुए माता पिता को शक हुआ कि उस पर किसी राक्षस का कब्जा है। इस दौरान उन्होंने मांत्रिक की मदद से बच्ची को इलाज के नाम पर पीटा। बच्ची मार सह नहीं पाई और दम तोड़ दिया। नागपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने माता पिता के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। 6 साल की बच्ची पर एक भूत का शक होने पर उसके माता पिता ने उसे भूतों के कब्जे से मुक्त करने के नाम पर उसकी पिटाई की। इस मारपीट में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में माता पिता और मौसी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही भूत भगाने का उपाय बता रहे संदिग्ध धोखेबाज बाबा को भी हिरासत में ले लिया गया है। हत्यारे माता पिता के नाम सिद्धार्थ चिमने और रंजना चिमने हैं। दिलचस्प बात यह है कि माता पिता ने लड़की की पिटाई का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। इससे पुलिस को कई बातें साफ हो गई है। ऐसे में अंधविश्वास के कारण जघन्य कृत्य करने वाले इन माता पिता को लेकर हर तरफ रोष व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले सिद्धार्थ चिमने और उनकी पत्नी रंजना चिमने की 6 साल की बेटी थी। पिछले कुछ दिनों से लड़की लगातार बीमार थी और संस्कृत के छंदों का उच्चारण करती थी। उसके हाव भाव को देखते हुए माता पिता को शक हुआ कि उस पर किसी भूत का कब्जा है। वे उसे एक फर्जी बाबा के पास ले गए। इस धोखेबाज की सलाह पर उसने उसका अलग अलग इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्रवार से शनिवार के दरमियान रात चिमने दंपत्ति और लड़की की मौसी ने 6 साल की बच्ची को बेल्ट से बांधकर घर में भूत भगाने के नाम पर हाथों से पीटा। बच्ची से जोरदार पिटाई सहन नहीं हुई और वो गिर पड़ी। भयभीत माता पिता तुरंत उसे ले गए और अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। आरोपी माता पिता यही नहीं रुके, उनके पकड़े जाने के डर से उन्होंने बच्ची के शव को सरकारी मेडिकल अस्पताल परिसर में ही रख दिया और वहां से फरार हो गए। लेकिन उनकी कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी और वहां के सुरक्षा गार्डों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने कार की तस्वीर खींची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिली कि अस्पताल परिसर में एक बच्ची का शव पड़ा है। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए जांच की और इस बात की जानकारी हासिल की कि शव को यहाँ कौन लाया था। पुलिस ने उस कार के नंबर से आरोपी का पता लगाया जिसमें शव को लाया गया था। PI भिंताड़े, इन्हें ऐसी जानकारी मिली कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक 5 साल की छोटी बच्ची का डेड बॉडी उसके पेरेंट्स लेकर आए हैं और कुछ आगे की जो कानूनी प्रक्रिया न करते हुए ये माँ बाप वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जाके जब वेरीफाई किया गया तो ये बात समझ में आई कि जो माँ बाप हैं उन्होंने ये बच्ची की डेड बॉडी वहाँ जमा करके वहाँ से बहुत जल्दबाजी में ये निकले। वहाँ के जो सिक्योरिटी है उन्होंने उसकी फ़ोटो खींची, उस फोटो उनकी गाड़ी की फ़ोटो खींची, उस गाड़ी की फ़ोटो को लेकर फिर आगे की छानबीन जब की तब समझ में आया कि उस लड़की के माता पिता है सिद्धार्थ प्रहलाद चिमने और रंजना सिद्धार्थ चिमने, जिनको शाम को राणा प्रताप नगर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। जब इनका इंट्रोगेशन किया गया तब इनके मोबाइल फ़ोन में हमें कुछ वीडियो क्लिप्स मिली जिसमें इस 5 साल की बच्ची को बेहद बेरहमी से मारा पीटा जा रहा था और ये संदेहजनक परिस्थिति में इसकी मौत हुई है, ऐसा हमें अंदाज़ा है। आगे की जो छानबीन है वो चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद में इसके मृत्यु का एग्जैक्ट जो कारण है वो सामने आएगा। अभी तक पुलिस ने इस मामले में सिद्धार्थ प्रहलाद चिमने, रंजना चिमने और प्रिया बंसोड़, इन तीनों को अरेस्ट किया है। इनके इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बताया गया है कि 28 तारीख को, गए महीने में 28 तारीख को ये एक बाबा से मिले थे, भूंदू बाबा से मिले थे जिनका नाम शंकर बाबा है। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया है, उनकी भी अरेस्ट की कायदेशीर प्रक्रिया चल रही है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें आगे के जो भी निकलेगा उसमें हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।